नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं राज शुक्ला आपके लिए अगस्त माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन्स को भी दबा दें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस यूयू ललित, ऑप्शन सी है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो अपने वर्तमान 48th सीजे आई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जस्टिस एनवी रमन्ना, और इनके बाद जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बतौर दूसरे ऐसे न्यायाधीश होंगे जिन्हें बार काउंसिल से प्रमोट किया गया था, और बार काउंसिल से ये जज बने वर्ष 2014 में, और पहले ऐसे जज थे जस्टिस एसएम सीकरी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 33 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस यूयू ललित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जाने माने क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून, दूसरी राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। गवर्नर हैं श्री गुरमीत सिंह। दोस्तों, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं। तो दोस्तों, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई, 18th एनिवर्सरी मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बंबई अधिवेशन में इस आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, और भारत छोड़ो जो नारा दिया था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 80। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलोर, लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल। दोस्तों, 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, जिसका आयोजन अक्टूबर महीने में होना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह द्विवार्षिक एक्सपो होता है। लास्ट जो 11th एडिशन एक्सपो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और इस बार गांधीनगर में आयोजित होना है। इसकी विषय वस्तु है पाथ टू प्राइड। थीम रखी गई है वर्ष 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है गांधीनगर में। गुजरात में बात करें दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात में। चांपानेर, पावागढ़, रानी की बाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हड़प्पा नगर, धौलावीरा यूनेस्को के प्रसिद्ध साइट्स हैं गुजरात में जो स्थित हैं। गुजरात के नेशनल पार्कों की बात कर लें तो गिर नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ, ब्लैकबक, वंशदा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क गुजरात में स्थित हैं। और ये जो तस्वीर पे दिख रहे हैं ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, चिली, कोलंबिया, सूरीनाम, वेनेजुएला। तो दोस्तों, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो
दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कोलंबिया। कोलंबिया की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है कोलंबिया, और चारों ऑप्शंस में जो दिए गए हैं ये सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। वेनेजुएला की बात करें तो इसकी राजधानी है कैराकस। सूरीनाम की बात करें तो राजधानी है पैरामेरिबो, तथा चिली की राजधानी है सैंटियागो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लें, क्योंकि पहली बार कोई महिला इसकी डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एन कलाई सेल्वी। इसके पहले शेखर मांडे इस पद पर कार्यरत थे और उनका स्थान लेंगी एन कलाई सेल्वी, और पहली महिला हैं जो CSIR को लेड करेंगे। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि CSIR के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। SS भटनागर के प्रयासों से ही वर्ष 1942 में CSIR की स्थापना संभव हो पाई थी दोस्तों, और पहले डायरेक्टर जनरल थे SS भटनागर। एस सोमनाथ की बात करें तो वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसरो क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है इसरो। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में और स्थापना हुई थी 1969 में, और इसके प्रमुख है एस सोमनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी एन कलाई सेल्वी, जिन्हें पहली महिला महानिदेशक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन यानी फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन, जिसे कहा जाता है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिडे की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेलों की नियामक संस्था है फिडे, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और प्रख्यात खिलाड़ी हैं, 5 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो खेल रत्न दिया जाता है, खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में खेल रत्न, जिसका पिछले वर्ष नाम में परिवर्तन कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1992 में खेल रत्न की शुरुआत हुई थी। और पहले राशि प्रदान की जाती थी 10 लाख, और अब इसकी राशि कर दी गई है 25 लाख। 25 लाख की राशि वर्तमान में प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुराना नाम है, अभी वर्तमान में नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल पुरस्कार। और पहले ऐसे खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और हाल ही में फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं श्री जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ जी ने स्थान ले लिया है श्री एम वेंकैया नायडू का। एम वेंकैया नायडू तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे भारत के, और अब नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये इसके पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो अपर हाउस है अपना, उसके पदेन सभापति होते हैं। इनका निर्वाचन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जगदीप
श्री जगदीप धनखड़ ने अपने प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को इस चुनाव में पराजित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये है गरिमा हजारिका, असम का जो क्लासिकल है सत्रीय डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है सत्रीय डांस, इसकी नृत्यांगना थी श्रीमती गरिमा हजारिका, और इनका 83 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, नृत्य। इन्हें वर्ष 2006 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और ये कहां की हुई, असम राज्य की। और जो महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है उसका नाम है सत्रीय डांस। सत्रीय डांस की नृत्यांगना थी श्रीमती गरिमा हजारिका, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 42, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी अमृत महोत्सव के पर्व पर भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 75। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 2021 तक कुल भारत में 47 रामसर साइट्स थी और अब हो गई हैं कुल 75। दोस्तों, रामसर साइट्स पे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप उस पे हम सभी रामसर साइट्स पे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 75। रामसर साइट्स क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन बुलाया गया था और इसमें आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स है उनके संरक्षण से संबंधित बात की गई थी। और भारत में 75 साइट्स का रामसर साइट्स के अंतर्गत संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो चिल्का लेक है ओडिशा में, और अभी तक जो रामसर साइट्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा 14 साइट्स हैं तमिलनाडु राज्य में। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 75। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया, भारत के नए सीवीसी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं संजय कोठारी, सुरेश एन पटेल, वाई के सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल, चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल, और इन्होंने स्थान ले लिया है श्री संजय कोठारी का। संजय कोठारी का स्थान लिया है श्री सुरेश एन पटेल ने। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था होती है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और उसके नए आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं सुरेश एन पटेल। दोस्तों, के संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में सीवीसी का गठन किया गया था, और जो अभी सुरेश एन पटेल हैं इनका कार्यकाल, जो सीवीसी का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और स्पष्ट का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली या हैदराबाद। तो दोस्तों, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य के राजधानी चेन्नई में आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 45वें जो ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2024 में, और इसका आयोजन होना है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। दोस्तों, इस आयोजन में पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल का खिताब जीता है उज्बेकिस्तान ने जीता है, और इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश और वियतनाम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम के नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, दो चीजें होती है, एक होते हैं एम्बेसडर और दूसरे होते हैं हाई कमिश्नर। तो कहां एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं और कहां हाई कमिश्नर। तो दोस्तों,
ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों वहां पे जो नियुक्त किए जाएंगे उन्हें कहा जाता है उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। और एम्बेसडर जो अधीन नहीं रहे हों वहां पे एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। तो बांग्लादेश के नए जो भारत के नए उच्चायुक्त होंगे वो हैं श्री प्रणय वर्मा। पहले ये वियतनाम के हाई कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, अब बांग्लादेश का चार्ज दिया गया है इनको। आपको बता दें कि अमेरिका के एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री तरनजीत संधु, जबकि नेपाल के एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री नवीन श्रीवास्तव। और अभी प्रणय वर्मा को बांग्लादेश का प्रभार सौंपा गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और शेख हसीना यहां की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेव दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेव WWW डे मनाया जाता है। इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेव विकसित किया गया था वर्ष 1989 में। 1989 में WWW के इतिहास तथा महत्व को बताने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल नागा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, ओमान, मंगोलिया और फ्रांस। तो दोस्तों अल नागा जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत करता है ओमान देश के साथ, और ऐसा यह चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है। राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है और फोर्थ एडिशन का यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ओमान के साथ होती है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के साथ जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अजय वॉरियर, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ होती है, जबकि फ्रांस के साथ वरुण। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी गुजरात। अर्धचालक पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई गई है यहां पे 2022 से लेकर 2027 के लिए। गुजरात की बात करें दोस्तों तो राजधानी है गांधीनगर, यहां के सीएम है श्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात में चांपानेर, पावागढ़, रानी की बाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हड़प्पन नगर, धौलावीरा यूनेस्को की प्रसिद्ध साइट्स हैं, जबकि नेशनल पार्क की बात करें तो यहां पे गिर, ब्लैकबक, रणोपक्ष जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं चेस, शतरंज, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फॉर्मूला वन रेसिंग के सफल ड्राइवर रहे सेबेस्टियन वेटल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। 4 बार विश्व विजेता रहे, 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे सेबेस्टियन वेटल। ये हैं जर्मन हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 4 टाइम्स ये चैंपियन रहे, जाना माना नाम है फॉर्मूला वन रेसिंग में सेबेस्टियन वेटल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फॉर्मूला वन रेसिंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड। तो दोस्तों अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी रही सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और इनका संबंध है अमेरिका से। सेरेना विलियम्स 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन और फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। चारों की बात करते हैं अपन दोस्तों।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, देन विम्बलडन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट ग्राउंड में खेले जाते हैं, जबकि विम्बलडन जो खेला जाता है वो ग्रासलैंड में खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड पे खेला जाता है। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की जो शुरुआत हुई सबसे पहले हुई विम्बलडन की वर्ष 1877 में। 1877 में विम्बलडन शुरुआत हुआ, उसके बाद यूएस ओपन 1881 में और 1891 में फ्रेंच ओपन और सबसे लास्ट 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। दोस्तों ये सभी ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं आईटीएफ के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की नियामक संस्था आईटीएफ, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स और इनका संबंध है अमेरिका देश से। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था वर्ष 2000 में, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसके लिए थीम रखी गई है, विषय वस्तु है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी, ये इस वर्ष के लिए विषय वस्तु है। और प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष 2021-22 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सुनील छेत्री, बी मनीषा कल्याण, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुष वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है सुनील छेत्री को, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, 1937 में इसकी स्थापना हुई और सुनील छेत्री प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के, सातवीं बार उन्हें इन्हें यह खिताब दिया गया है, जबकि मनीषा कल्याण को पहली बार यह खिताब दिया गया। दोस्तों वर्ष 2021 में ही सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं छठवीं बार, सातवीं, आठवीं और नवीं। तो दोस्तों नीतीश कुमार पहले भी यही मुख्यमंत्री थे और रिकॉर्ड आठवीं बार उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और लगातार सातवीं बार और कुल आठवीं बार उन्होंने शपथ ली है। दोस्तों हाल ही में एक राजनीतिक उठापटक हुई बिहार में, पहले जो एनडीए का अलायंस था, एनडीए गठबंधन था, नीतीश कुमार उससे अलग हुए और महागठबंधन के साथ जाकर शामिल हो गए और फिर से नई सरकार बनाई है और आठवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और लगातार सातवीं बार उन्होंने यह शपथ ली है, टोटल 8 टाइम्स। बिहार की बात करें दोस्तों तो राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है श्री फागू चौहान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, नालंदा तथा बोधगया जैसे यूनेस्को साइट्स भी बिहार में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दोस्तों, डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं श्री तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो दोस्तों वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत करता है अमेरिका के साथ भारत यह एक्सरसाइज करता है, जबकि मैंने आपको अभी बताया है ब्रिटेन के साथ हम अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और वज्र प्रहार का यह 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था और हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2021 में जो 12वां एडिशन था वह अमेरिका में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं,
विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों के बारे में जागरूकता तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और वर्ष 1994 से यह दिवस आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए गए इंग्लैंड के बर्मिंगम में, और भारत पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त कर सका है। कुल भारत ने मेडल पाए हैं 61 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने 22 गोल्ड, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 61 मेडल्स के साथ फोर्थ प्लेस पे है, जबकि फर्स्ट प्लेस पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 मेडल प्राप्त किए हैं। दोस्तों यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था, जबकि लास्ट जो 21वां संस्करण वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अगला संस्करण 23वां संस्करण विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना है। दोस्तों इसके लिए जो ध्वजवाहक थे भारत की ओर से वो पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु तथा मनप्रीत सिंह थे, और इसके लिए जो शुभंकर रखा गया था वो था पैरी। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1930 में, और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने मूल सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।